वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं मेघा। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने इंस्टाग्राम पर रोहित शर्मा के साथ लाइव चैट में अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी बातें शेयर की। शमी ने कहा है कि निजी और प्रोफेशनल मसलों की वजह से वह इतने तनाव में रहे हैं कि 3 बार उन्होंने आत्महत्या करने के बारे में सोच लिया था। हालांकि शमी ने कहा है कि वह उस मुश्किल समय में परिवार वालों की मदद से उबर पाए। तो आइए जानते हैं सपोर्ट में आखिर उन्होंने ऐसा करने के बारे में क्यों सोचा। मोहम्मद शमी ने अपने बुरे दौर को याद करते हुए रोहित शर्मा को बताया कि जब 2015 वर्ल्ड कप में मैं चोटिल हुआ तब मुझे पूरी तरह से ठीक होने में 18 महीने का समय लगा, जो मेरे जिंदगी के सबसे खराब दिन थे। इससे निकलने के बाद ही मुझे कुछ निजी समस्याओं से भी जूझना पड़ा था। मुझे लगता है कि अगर मुझे मेरा परिवार सपोर्ट नहीं करता तो मैं इससे पार नहीं कर सकता था। इस दौरान मैंने 3 बार आत्महत्या करने के बारे में भी सोचा था। शमी ने आगे कहा, हम 24वें फ्लोर पर रहते हैं। घर वाले इस बात को लेकर डरते रहते थे कि मैं कहीं बालकनी से तो नहीं कूद जाऊं। परिवार के लोगों ने क्रिकेट पर ध्यान देने के बारे में कहा। मेरे भाई और दोस्तों ने भी बहुत मदद की। उन्होंने आगे बताया कि इन दिनों मेरे साथ परिवार का कोई एक व्यक्ति 24 घंटा रहता था ताकि मैं कुछ गलत ना कर सकूं। मैं दिमागी रूप से स्वस्थ नहीं था। मेरे परिवार ने मुझे तब संभाला जब आपके साथ आपका परिवार हो तब आप किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकते हो। अगर मेरा परिवार मेरे साथ नहीं होता तो मैं कोई गलत कदम उठा चुका होता, लेकिन मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि वो मेरे साथ थे। शमी ने आगे कहा कि उस मुश्किल वक्त में जिन लोगों ने मेरा साथ दिया मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता हूँ। इस पर रोहित ने कहा कि फैंस को शमी से सीखना चाहिए कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। इसके अलावा रोहित शर्मा और शमी ने कोरोना वायरस को लेकर भी बात की। सभी फैंस से लॉकडाउन का पालन करने के लिए भी कहा। गौरतलब है कि भारत में कोरोना का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, इसी को देखते हुए देश में लॉकडाउन 17 मई तक कर दिया गया है। रोहित और शमी की लाइव चैट के दौरान युजवेंद्र चहल ने कमेंट करके दोनों की टाइम खिंचाई करने की भी कोशिश की। गौरतलब है कि शमी का अपनी पत्नी हंसी के साथ 2018 से विवाद चल रहा है। हंसी जहां ने शमी को और उनके परिवार वालों पर उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, जहां ने शमी पर मैच फिक्सिंग में शामिल होने तक के आरोप लगाए। इसके अलावा सोशल मीडिया पर शमी की दूसरी महिला से कथित चैट का स्क्रीनशॉट शेयर भी किया। इस दौरान पश्चिम बंगाल की एक स्थानीय अदालत ने घरेलू हिंसा के मामले में शमी के खिलाफ गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया था। हालांकि बाद में यह वारंट रद्द कर दिया गया। इन सब मुश्किलों को झेलते हुए भी शमी ने दिसंबर 2018 में ऑस्ट्रेलियाई मैदानों पर खेली गई सीरीज में जोरदार वापसी की और उसके बाद पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। तो कैसी लगी आपको हमारी क्रिकेट से जुड़ी यह रिपोर्ट, हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। और बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।